नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आता है तो हमारी इच्छाओं की लिस्ट भी लंबी हो जाती है। श्री कृष्ण एक अच्छे सखा, रक्षक, एक अच्छे गुरु और हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। श्री कृष्ण की जन्म उत्सव पर आपको खूब सारी खुशियां मिल सकती हैं। क्या करना है आपने, कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न भी करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को आप पूर्ण भी करें। सबसे पहले तो ये जन्म उत्सव किस दिन मनाना है, 26 तारीख को है, 26 अगस्त को मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्म उत्सव। और इसी दिन आपने व्रत भी करना है, पूजा पाठ भी करने हैं, भक्ति भी करनी है। और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक चीज छोड़नी है सिर्फ इस दिन। उस दिन आपको सिर्फ मात्र एक चीज खाने में छोड़नी है ताकि आपको उतना ही लाभ मिल पाए जितना एक व्रती को मिलता है। अगर आप किसी मजबूरी के चलते अपना व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप स्वस्थ नहीं हैं, तो अगर आप सब रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, उसके बावजूद व्रत नहीं रख रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। चलिए ये उपाय भी हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर कुछ खास सावधानियां जरूर रखिएगा। आप मंदिरों में जाते हैं, अक्सर जाते हैं, पूजा भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को सता करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके आगे माताएं बहनें खड़ी हैं, तो थोड़ा सा शांति से धक्का मुक्की नहीं करिएगा, अपनी सुरक्षा रखिए, उनकी भी सुरक्षा रखिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या उपाय करने हैं। जो निसंतान दंपति है, अगर संतान की कामना कर रहे हैं तो इस दिन एक खास उपाय कीजिएगा। अगर मित्रता आपकी सही नहीं चलती है, अगर आपको बार बार मित्रता के चलते ही कोई नुकसान उठाना पड़ता है, तो भी आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, सुख और समृद्धि। अगर अपने घर में जाते हैं तो भी आपके लिए एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले वो उपाय, अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे, यानी आप स्वस्थ नहीं हैं या आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस दिन आप पूरे दिन का भोजन अगर नहीं त्याग पाते हैं तो मात्र कुछ घंटों का संकल्पित भोजन त्याग दीजिए। हो सकता है आपको ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, हो सकता है आप लंच नहीं कर पाए और हो सकता है आप डिनर नहीं कर पाए, लेकिन डिनर ही त्यागिएगा आप। क्योंकि जब उनका जन्म उत्सव हुआ था मध्याह्न रात्रि का वाला, दिन वाला मध्याह्न नहीं, मध्य रात्रि का इनका जन्म है, उस समय का आप भोजन त्याज्य कीजिएगा। आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना एक व्रती को मिलता है। अब 8 का श्री कृष्ण के साथ एक खास संबंध है। 8वें मुहूर्त में जन्म, 8वीं संतान, 8वीं तिथि और अद्भुत संयोग जयंती योग में श्री कृष्ण का भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि में जन्म हुआ था। और इस बार भी कुछ खास ही अद्भुत योग संयोग बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा विलक्षण चंद्रमा होता है। कहते इस दिन वैसे भी अगर आप चंद्रमा के ही उपाय कर लेते हैं तो भी आपको कितने सारे लाभ मिलते हैं, और इस बार तो 8वीं तिथि पर आप अगर कुछ खास विधियां करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माताएं, निसंतान दंपतियां माताएं बनना चाहती हैं, उनकी खास मनोकामनाएं इस योग और संयोग में पूरी हो सकती हैं। बहुत विलक्षण योग बन रहे हैं, बहुत विलक्षण इस बार के संयोग हैं, कई सालों बाद अद्भुत योग बन रहा है, तो इस बार तो आपने लाभ जरूर उठाना है। जो निसंतान दंपति है उन्हें अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के पास में एक गौ माता जरूर छोटी सी चांदी की लेकर के आनी है, और वो गौ माता लानी है
जिसके साथ एक बछड़ा गौ माता का दूध पीता हुआ दिख रहा हो। आप वो एक छोटी सी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनके पास में रख दीजिए और हर दिन माता उसका स्पर्श जरूर करें। और भगवान श्री कृष्ण को 40 दिन लगातार जन्माष्टमी से शुरू करके 40 दिन लगातार माखन और मिश्री का भोग लगाएं। और जो माखन और मिश्री उनको भोग लगाते हैं उसमें से ही सिर्फ मात्र एक चुटकी माखन और मिश्री को मिक्स किया हुआ आप ले लीजिए और उसे अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कीजिए। संतान गोपाल का पाठ आप जरूर कीजिए, इससे आपको खूब लाभ होगा और आने वाली जन्माष्टमी तक आपकी गोद भर सकती है, आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। मित्रता के चलते आपके रिश्ते दांव पर लग रहे हैं और कहीं ना कहीं तनाव भी हो रहा है, मित्रता से मिल रहा है धोखा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अब ये मित्रता प्यार भी हो सकता है, ये दोस्त भी हो सकता है, दोनों तरीके का उपाय है, आपने इस उपाय को जरूर करना। अगर किसी भी कारणवश आपके साथ धोखा हो रहा है, चीट हो रहे हैं आप, या फिर आपको लगता है कि हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, रिश्ते जो माता पिता के और पारिवारिक रिश्ते हैं ये भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं, लेकिन मित्र हम स्वयं बनाते हैं। अगर किसी कारण से कोई भी एक डिस्प्यूट पड़ रहा है आप लोगों के बीच में, तो आप इस उपाय को कीजिए। एक बांसुरी लीजिए और एक कागज का टुकड़ा लीजिए, कागज के टुकड़े के ऊपर आपने ओम क्रिं कृष्णाय नमः इस मंत्र को लिखना है, लेकिन लिखिएगा इसे पीले चंदन से। गोपी चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, गोपी चंदन नहीं मिलता है तो पीला चंदन कोई सा भी ले लीजिए, उससे आप लिखिएगा। और आपने ये कागज को रोल करके उस बांसुरी के अंदर डाल देना है और ये बांसुरी जन्म उत्सव जब हो जाए, रात्रि का जन्म उत्सव जब हो जाए, तब आपने कृष्णा के आगे ये बांसुरी अर्पित करनी है। जो आपके मित्र हैं, जहां से आपको लगता है कि उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने चाहिए, उनका ध्यान करिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए और आप ये अर्पित कर दीजिए। लेकिन मानिए आपके रिश्तों के बीच में चाहे किसी भी तरीके की कड़वाहट चल रही हो, कोई भी तनाव चल रहा हो, स्ट्रेस चल रहा हो, वो दूर हो जाएगा और आपके रिश्ते बहुत बेटर होने लगेंगे। बच्चे माता पिता से कटने लगे हैं, अब कारण चाहे संगति बाहर की हो या फिर कारण कुछ और भी हो, लेकिन बच्चे हमेशा माता पिता का कहना मानने चाहिए और माता पिता को भी बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि ये दूरियां है ना, एक कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्तों को बहुत कमजोर कर देती है। ये वो प्यार का एक रिश्तों का धागा होता है, टूट गया तो गांठ पड़ने की संभावनाएं पूरी बन जाती है। तो आप ये गांठ ना पड़े, ना ये रिश्ता टूटे, ये रिश्ता और भी ज्यादा प्यार भरा हो। क्या करना है आपने, बच्चों के कमरे में मोर पंख रखिए और वहां रखिए जहां उस बच्चे को मोर पंख हर दिन दिखे। कम से कम 40 दिन तक वो मोर पंख आपके बच्चे की नजर में जरूर आना चाहिए। रखिएगा इसे, श्री कृष्ण जन्म उत्सव जब हो जाता है 12 बजे, उसे अगली सुबह यानी सूर्य उदय के बाद, यानी जन्म उत्सव के बाद सूर्य उदय और सूर्य उदय के बाद नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने ये मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आपने बच्चे के कमरे में लगा देना है। 40 दिन तक लगा रहने दीजिए, उसके बाद आप वहां से हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन 40 दिन अगर उस बच्चे ने इस मोर पंख को देख लिया, दर्शन कर लिया, यकीन मानिए आप लोगों के बीच में रिश्तों का जो बॉन्ड है वो बहुत पक्का हो जाएगा, कोई भी आकर के आपके रिश्तों के बीच में खलल पैदा नहीं कर पाएगा, एक दूसरे की तरफ प्यार का खिंचाव रहेगा। तो आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। माखन और मिश्री का भोग उन नोने हालों को भी जरूर लगाइएगा जो बच्चे तोतला बोलते हैं, यानी जिनकी भाषा क्लियर नहीं हो रही है। बहुत माताएं ऐसे प्रश्न लिखती हैं कि हमारे बच्चे क्लियर वर्ड्स नहीं बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग जन्म उत्सव के समय का
अगर लगातार 8 दिन उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, थोड़ा सा बचा करके वो प्रसाद रख लीजिएगा, वो अपने बच्चे की जीभ के ऊपर अगर आप टच कर देते हैं 8 दिन लगातार, तो आपका बच्चा चैटर पैटर की तरह बोलने लगेगा। देखिएगा कितना क्लियर बोलने लगा, और इतना बोलने लगेगा फिर कहेंगे कि मैम आचार्य जी हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा। और हम चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छी क्लियर भाषा बोलें, अच्छी सभ्य भाषा बोलें और प्यार की भाषा बोलें और परिवार के साथ मिल करके रहें। कुछ ऐसा ही आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण इस बार आपको देने वाले हैं। योग और महासंयोग है, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। वीडियो बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इन उपायों को कर सके। आप सभी को, पूरे देशवासियों को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।